बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट, सो हमारा जनाब चैप्टर नंबर है 6, पेज नंबर है 63 आपकी रेफरेंस बुक में से, और चैप्टर का नाम है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, सो अगेन ऑब्वियसली दिस वन ऑफ द टेक्निक्स व्हिच वी कैन यूज टू प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड एंड टू प्रिजर्व द फूड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सो आपको बेटे पता है कि मॉइस्चर या वाटर जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स। इसके अलावा फिर जो माइक्रोब्स हैं, ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको भी वाटर या मॉइस्चर चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए। सो अगर वो मॉइस्चर को हम अनअवेलेबल कर दें या डिक्रीज कर दें तो जो स्पॉइलेज एजेंट्स हैं वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएंगे और जो केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन है वो भी स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब वाटर या मॉइस्चर जो है वो ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ फूड्स के अंदर अवेलेबल होता है, कुछ में कम होता है, कुछ के अंदर ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मीट्स हो गए, इनके अंदर वाटर लेवल्स मॉइस्चर लेवल्स काफी ज्यादा होते हैं और वो आसानी से स्पॉइल भी हो जाते हैं। ड्राई सीरियल्स हो गए या बीन्स हो गए या ग्रेन्स हो गए, इनके अंदर मॉइस्चर जो है वो रिलेटिवली लो होता है और वो आसानी से स्पॉइल नहीं होते। एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि हम उनको ज्यादा अरसे तक स्पॉइल किए बगैर प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब वाटर जो प्रेजेंट होता है फूड में उसका रोल क्या होता है? सो देयर आर 3-4 मेजर फंक्शंस व्हिच वाटर प्लेज व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फूड्स। सबसे पहले वाटर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको पता ही है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारा। फिर जैसे भी हमने डिस्कस किया, टेक्स पार्ट इन वेरियस केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस और उसके लिए एक प्रीरिक्विजिट है। फिर जनाब जो केमिकल रिएक्शन है खासतौर पे उनके अंदर कंडेंसेशन का जो रिएक्शन है, आपको अगर याद हो अपने एफएससी के नॉलेज से, तो कंडेंसेशन का रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। एंड लास्टली ये है कि वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज कैटेलाइट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस इन फूड, जिसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि अगर मेटल कैटलिस्ट जो कि लिपिड्स की पर ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं वो वाटर की वजह से इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जो मेटल कैटलिस्ट जैसे निकल वगैरह हो गए या कोबाल्ट भी आई थिंक किसी के अंदर आते हैं, सो उनकी इनएक्टिवेशन वाटर की वजह से हो सकती है। ठीक है, सो ऑल इन ऑल वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड। और जाहिर है वाटर का जो रोल हमारी बॉडी में वो जाहिर है डिफरेंट है, वो हमारा भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है डिस्कस करना, बट जाहिर है वो भी आपको पता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन फूड, सो किस किस शेप में, शेप तो नहीं एक्चुअली, किस किस फॉर्म में वाटर बेसिकली फूड के अंदर प्रेजेंट होता है? सो देयर आर 5 मेजर फॉर्म्स। नंबर 1, फ्री वाटर। फ्री वाटर प्रेजेंट होता है जैसे कि टोमेटो जूस के अंदर। फिर सेकंड नंबर पे होता है ड्रॉपलेट्स ऑफ एमल्सिफाइड वाटर, फॉर एग्जांपल बटर। ठीक है, सो एमल्सिफिकेशन हमने पढ़ा था मिड से पहले, सो वो जो हमने पढ़ा था ना ऑयल इन वाटर एमल्शन या वाटर इन ऑयल एमल्शन, सो बेसिकली उसके अंदर हमें एमल्सिफाइड वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलते हैं। फिर थर्डली जैसे कि जेलीज में आपको मिलता है कोलाइडल वाटर। ठीक है, कोलाइडल वाटर जेलीज के अंदर। फिर फोर्थली थिन लेयर ऑफ एडसॉर्ब्ड वाटर, जैसे कि पाउडर्ड मिल्क के अंदर आपको मिल रहा हो। ठीक है, पाउडर्ड मिल्क के अंदर यू गेट थिन लेयर ऑफ एडसॉर्ब्ड वाटर। ठीक है, एडसॉर्प्शन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रहे होते हैं एज अ, क्या कहते हैं उसको, एज अ थिन लेयर, एज अ फिल्म बल्कि प्रॉपर वर्ड। एंड लास्टली फिर आता है केमिकली बाउंड वाटर। ठीक है, सो ये वो वाला वाटर होता है व्हिच इज नॉट फ्री फॉर फ्रीली अवेलेबल फॉर रिएक्शंस, जैसे कि शुगर्स के अंदर। और ये वाला जो केमिकली बाउंड वाटर होता है इसको रिमूव करना भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और जो फ्री वाटर है या एडसॉर्ब वाटर है इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, वाटर रिमूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं ऑब्वियसली, जैसे सन ड्राइंग है, डिहाइड्रेशन है, इवेपोरेशन या कंसंट्रेशन है, फ्रीज ड्राइंग है, डिहाइड्रोफ्रीजिंग है। सो बिफोर वी गेट टू द डिटेल्स ऑफ दीज डिफरेंट मेथड्स,
एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं वाटर मॉइस्चर रिमूवल के क्या हो। सो जब हम वाटर को रिमूव कर देते हैं फूड्स में से तो ऑब्वियसली फूड्स बिकम ड्राइड, और जनाब ड्राइड फूड्स बेसिकली उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, नंबर वन। नंबर टू, दे आर नॉट स्पॉइल्ड इजीली। नंबर थ्री, दीज बिकम कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जाहिर है वाटर रिमूव हो जाता है ना तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, फिर क्योंकि इनमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, इनका वेट रिड्यूस हो जाता है, सो जो वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो कम होता है, और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। सो अब आप इसको माइक्रो लेवल पे नहीं देख सकते, जब आप इसको मैक्रो लेवल पे देखोगे तो फिर आपको इसकी एप्लीकेशन समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब टन्स एंड मिलियंस ऑफ टन्स, थाउजेंड्स ऑफ टन्स का जब ड्राई फ्रूट ट्रांसपोर्ट होता है, तो अगर पर बैग लेट से फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर आपको 100 रुपीज बचते हैं पर बैग या पर पैक, और जब वो मिलियंस ऑफ टन्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको मिलियंस ऑफ रुपीज में भी बच रहे हैं। फिर इसी तरह से ऑब्वियसली स्टोरेज स्पेस कम चाहिए होती है इनको स्टोर करने के लिए। एंड लास्टली, इट इज अ रिलेटिवली इजियर मेथड to enhance the shelf life of a product, relatively easier. अच्छा, so 5 methods हमने कहा removal of moisture के लिए हम use करते हैं। So sun drying है उसके अंदर, then we have dehydration, फिर जनाब evaporation या concentration है, then freeze drying है, and then dehydrophysiology। ठीक है, so let's start with the sun drying, details से update। Okay. Obviously, sun drying, as the name indicates, as the terminology implies, so sun drying basically it's a method to remove moisture from foods by putting them directly under sunlight. बहुत सारे जो cereals या pulses हैं, उनको naturally जब हम field में रखते हैं, sunlight होती है वहाँ पे, so उनका जो food का spoilage है और जो microbial attack है, उसे वो prevent हम कर पाते। जो मॉइस्चर कंटेंट है ऐसे फूड्स का वो नॉर्मली सिर्फ 8-16% होता है, और वाटर एक्टिविटी 0.75 या उससे भी कम होती है। फिर इसके अलावा जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, उनको भी हम सन ड्राइंग कर सकते हैं उनकी, सो दैट उनकी भी शेल्फ लाइफ हम इंक्रीज कर सकें। बहुत सारे रीजन्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम सन ड्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स को हम सन ड्राई करते हैं अफगानिस्तान में, यूएस में, ग्रीस में। फिर इसी तरह डेट्स को हम सन ड्राई करते हैं सऊदीया में, इराक में, जो डिफरेंट हमारे कंट्रीज हैं, एशियन एंड अफ्रीकन, इजिप्ट एंड अल्जीरिया एंड टूनिशिया। फिर गावा टमेटो एंड पियर्स को हम सन ड्राई करते हैं अगेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान में जो फ्रूट्स हम सन ड्राई करते हैं उसके अंदर फिग्स हैं, इंजीर जिसे हम कहते हैं, प्लम्स, ग्रेप्स, डेट्स एंड एप्रिकॉट्स। तो डिफरेंट काफी सारी वाइड वेराइटी है फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की जिनको हम सन ड्राई के थ्रू प्रिजर्व कर रहे हैं। अब सन ड्राइंग के लिए हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, सो जो इक्विपमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है सन ड्राइंग के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमने क्या फूड को सन ड्राई करना है, जिस एरिया में हमने सन ड्राइंग करनी है वहां पे कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन से मतलब यू नो एनवायरमेंटल कंडीशन। मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसे एरिया में कहेंगे कि अच्छा ओके सन ड्राई करते हैं जो कोस्टल एरिया है, तो वहां पे तो एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, और
बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पे फिर सनड्राइंग बहुत सुटेबल ऑप्शन नहीं। तो सनड्राई करने के लिए जनरली यू नीड वुडन बॉक्सेस डिपेंडिंग ऑन योर रॉ मटेरियल। और फूड को प्रिपेयर करने के लिए, यानी जो सनड्राई करने से पहले की जो ऑपरेशन है उसके लिए हमें कटिंग टेबल्स चाहिए हो सकते हैं, कटिंग नाइफ्स चाहिए हो सकती हैं, पीलिंग नाइफ्स में भी हमें चाहिए हो अगर हमने साइज रिडक्शन करनी है या हमने पीलिंग स्किनिंग करनी है। सो वंस फूड इज प्रिपेयर्ड, साइज रिडक्शन हो जाती है या पीलिंग स्किनिंग हो जाती है, उसके बाद हम उनको वुडन सॉरी सूटेबल ट्रेस में रखते हैं। और इसके साथ साथ मे बी कुछ फूड्स को हमें ब्लांचिंग भी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, ड्राई करने के बाद हम फूड को स्वेटिंग चैम्बर में लेके आते हैं और फिर उसको पैकेज करके सूटेबल साइज मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। मॉइस्चर प्रूफ के अंदर इसलिए करते हैं कि अगर मॉइस्चर प्रूफ के अंदर ना करें तो फिर ये जो पूरा हमने प्रोसेस सन ड्राइंग का किया वो करने का हमें कोई फायदा नहीं। क्या प्रिकॉशन रिक्वायर्ड होते हैं सन ड्राइंग करने के लिए? सो सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि हम रॉ मटेरियल को डायरेक्टली सन ड्राई कर रहे हैं और वो रॉ मटेरियल डायरेक्टली एक्सपोज है एटमॉस्फेयर में, तो नेचुरल सोर्सेज की वजह से उसकी कंटेमिनेशन बड़ी आसानी से हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्योंकि हमने डायरेक्टली उस फूड को रख दिया, यानी सॉरी सन के अंदर हमने डायरेक्टली उस फूड को रख दिया और एटमॉस्फेयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बड़ी आसानी से फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जनाब जहां पे हम फूड को ड्राई कर रहे हैं, सन ड्राई कर रहे हैं, वहां पे ऑब्वियसली बर्ड्स या एनिमल्स भी, अगर तो हम डायरेक्टली फील्ड में रख देंगे तो आपको पता है वहां पे तो बर्ड्स भी आ रहे होते हैं फील्ड में, फार्म में एनिमल्स भी, जो हमारे लाइफ स्टॉक होता है वो भी वहीं पे होता है, तो वो भी हम उसकी वजह से भी जाहिर है वो तो उसको सारा फूड डैमेज कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। फिर क्लीनलीनेस या हाइजीन इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट सन ड्राइंग के अंदर। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम हाइजीन को मेंटेन कर पाए और कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सके। जितना भी इक्विपमेंट हमने यूज करना है उसको प्रॉपरली हम सैनिटाइज कर पाए। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो फ्रूट या वेजिटेबल स्पॉइल हो गया है, उसको ऐसा नहीं कि हमने वहीं पे डंप कर देना है, बल्कि उसको फार ऑफ प्लेस पे हमने डंप करना है और उसको आइडियली यू शुड ट्रीट इट विद लाइम क्लोराइड ताकि उसका डिके ना हो पाए और उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोलिफरेशन है वो ना हो। अगर वहां पे प्रोलिफरेशन होगी तो वो जो स्पॉइल नहीं हुआ फ्रूट या वेजिटेबल जिसको अभी हम सन ड्राई कर रहे हैं उसको भी खराब कर देगा। फिर जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्लाइज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, उसके थ्रू वो जो कंटेमिनेंट्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे होंगे। और फिर ड्राई प्रोडक्ट, जब हम उसको ड्राई कर लेते हैं, मॉइस्चर रिमूव कर लेते हैं, तो फिर रिस्क ऑफ अटैक बाय इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। हमने पढ़ा था जो गोडाउन वगैरह के अंदर भी हम जब स्टोर करते हैं ड्राइड फूड्स को, तो वहां पे भी इंसेक्ट्स और रोडेंट्स बड़ा ज्यादा उसको अटैक करने के चांसेस होते हैं। सो इंसेक्ट प्रूफ रूम्स उसके लिए आप रखें, उनको स्टोर करने के लिए उसकी रूम्स की, उन रूम्स की फ्यूमिगेशन प्रॉपरली करें। ट्राई करें कि उनको आप लोअर टेम्परेचर्स पे स्टोर करें ड्राइड फूड्स को, 0 to 4 degrees Celsius। So these are all the precautions which you need to
कंसिडर ड्यूरिंग सनराइज। फिर जनाब सेकेंड हमारा प्रोसेस है डिहाइड्रेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड का वाटर कंटेंट हम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, अब जब हम सन ड्राई करें तो ऑब्वियसली वहां पे तो हम कंडीशंस कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो तो जो नेचुरल कंडीशंस आपको मिल रही हैं वो मिल रही हैं। सो डिहाइड्रेशन के अंदर हम कंट्रोल्ड कंडीशंस मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस जनरेट कर रहे होते हैं। और क्या क्या चीजें कंट्रोल करते हैं? प्राइमरीली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर फ्लो। सो इन कंडीशंस को जब हम कंट्रोल करते हैं तो प्रोडक्ट्स, एक तरफ तो हम मॉइस्चर रिमूव करते हैं, दूसरी तरफ उनके जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। सो कौन से फूड्स को हम डिहाइड्रेशन के थ्रू प्रिजर्व कर रहे होते हैं? फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, फिश, सूप मिक्सेस, ये वो मेजर फूड्स हैं जिनको हम डिहाइड्रेशन के थ्रू जिनका मॉइस्चर रिमूव कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ड्राइंग एटमॉस्फेयर कैसा होता है और क्या उसकी कॉम्पोजिशन होती है? तो जब हम मॉइस्चर रिमूव करते हैं फूड से तो हमने बेसिकली फूड को हीट एनर्जी सप्लाई कर दी और उस हीट एनर्जी की वजह से वो जो वाटर है वो इवेपोरेशन के थ्रू रिमूव होता है। सो फूड्स को ड्राई करने के लिए हम या हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम हॉट एयर का यूज कर सकते हैं, हीटेड स्टीम को यूज कर सकते हैं, वैक्यूम को यूज कर सकते हैं, हीटेड गैस को यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन हम हीट एनर्जी की दे सकते हैं यूजिंग सम इलेक्ट्रिक सोर्स या माइक्रोवेव्स। सबसे कॉमनली इनमें से जो हम डिफरेंट जो मीडिया हमने डिस्कस किया इनमें से जो हम मीडियम यूज करते हैं दैट इज एयर, यानी हॉट एयर। सर सनलाइट नहीं यूज कर सकते? बेटा सनलाइट के अंदर कंट्रोल कंडीशंस नहीं ना हम जनरेट कर सकते। ठीक है, कंडीशंस दिस इज कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, यही तो डिफरेंस है ना। अच्छा, सो हॉट एयर को क्यों ज्यादा यूज करते हैं? उसकी देयर आर सर्टेन रीजंस। सबसे पहले तो ये है कि जो डिहाइड्रेटर्स हॉट एयर को यूज करते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकेंडली, हॉट एयर डिहाइड्रेटर्स को ऑपरेट करना इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी कन्वीनियंट। थर्डली, दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव। हॉट एयर ड्रायर्स या हॉट एयर डिहाइड्रेटर्स ये कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी ज्यादा सस्ते हमें पड़ते हैं। फिर एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो फूड इंडस्ट्रीज में हमें मिलता है हॉट एयर को यूज करने से एज अ मीडियम, वो ये है कि फूड की ओवरहीटिंग, डिसकलरेशन या स्कॉर्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि वो जो हीट कर करके उसका जो नेचुरल टेक्सचर है वही खराब हो जाए, ये चीजें इनको हम अवॉइड कर पाते हैं अगर हम हॉट एयर को एज अ मीडियम यूज करें। अच्छा, ये जो एयर है डिहाइड्रेशन के लिए जो हम यूज करते हैं इसके देयर आर 3-4 मेजर फंक्शंस। पहला फंक्शन तो ये है कि ये फूड को ऑब्वियसली हीट एनर्जी प्रोवाइड करें। अच्छा, जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो जाहिर है जो फूड में मॉइस्चर मौजूद है वो इवेपोरेट होगा, सेकेंड फंक्शन। एंड थर्ड, ये जो मॉइस्चर इवेपोरेट हो रहा है, जो फ्री हो रहा है, नाउ इट इज बीइंग कन्वेड टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर आउटसाइड। और ये तीनों फंक्शंस कौन किसकी वजह से हो रहे हैं? हॉट एयर की वजह से। इनिशियली हमें ज्यादा एयर, हॉट एयर रिक्वायर्ड होती है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और वंस वाटर वो लिबरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो फिर हमें
कम वॉल्यूम रिलेटिवली रिक्वायर्ड होता है हॉट एयर का. कितनी हॉट एयर हमें रिक्वायर्ड होती है वो डिपेंड करता है इनिशियल टेम्परेचर एयर का कितना है जो ड्रायर के अंदर जा रहा है, कितने परसेंट मॉइस्चर है फूड में, कितना मॉइस्चर हमने रिमूव करना है, टाइम फ्रेम हमारे पास कितना है, कितनी देर में रिमूव करना है, एंड फाइनल टेम्परेचर कितना है एयर का जब वो चेंबर को एग्जिट कर रहा है, डिहाइड्रेटर को एग्जिट कर रहा है. ये फैक्टर्स डिटरमिन कर रहे होते हैं कि आपको कितना वॉल्यूम हॉट एयर का चाहिए. Now, which are the factors which affect evaporation of food from food surface? So, कितनी जल्दी हमारे फूड से मॉइस्चर इवेपोरेट होगा, कितनी जल्दी हम उससे मॉइस्चर रिमूव कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है फूड मटीरियल की नेचर के ऊपर, पार्टिकल साइज, यानी जो हमने फूड रखा है उसका पार्टिकल साइज कितना है, बेड डेप्थ कितनी है. बेड डेप्थ मींस वो जो हमने वुडन ट्रेस या वो जो चैम्बर है, वुडन ट्रेस तो खैर सन ड्राइंग में यूज करते हैं, जो हमारा चैम्बर है बेसिकली उसमें कितना डीप फूड रखा हुआ है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है और एयर फ्लो कैसा है. डिफरेंट जो रॉ मटीरियल्स हैं उनके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं व्हेन यू ट्राई टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम देम डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स. अच्छा, क्योंकि मॉइस्चर ने फूड के अंदर से ट्रेवल करते हुए बाहर आना है टू बी रिमूव्ड, सो जितने फूड पार्टिकल्स बड़े होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा मॉइस्चर को रिमूव होने में, जाहिर सी बात है. एग्जाम्पल दी हुई है कि भाई अगर ओकरा को आप मॉइस्चर रिमूव करें, अगर तो आपने उसके छोटे पीसेस किए हैं, साइज रिडक्शन की है, तो मे बी कुछ घंटे लगे. अगर आपने होल ओकरा रख दी है चैम्बर में तो मे बी उससे डबल टाइम लगे, ट्रिपल टाइम लगे. अच्छा, फिर इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी और वेलोसिटी है एयर की वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. जितनी एयर में ह्यूमिडिटी हाई होगी उतना ही मॉइस्चर रिमूवल प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, सो वो एयर मजीद मॉइस्चर एक्सेप्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा. इसी तरह जब टेम्परेचर लो होता है एयर बिकम्स इजीली सैचुरेटेड विद मॉइस्चर और उससे भी ये प्रोसेस मॉइस्चर रिमूवल का स्लो डाउन हो जाएगा. फिर जो वेलोसिटी ऑफ एयर है, स्पीड ऑफ एयर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉइस्चर रिमूवल की. जितनी तेज स्पीड से आप हॉट एयर को पास करेंगे फूड से उतनी ही जल्दी मॉइस्चर रिमूव होगा. सो एक एग्जाम्पल दी हुई है कि जी अगर हमने एयर को वेलोसिटी नॉर्मली 70 मीटर्स पर मिनट के हिसाब से फूड से पास करें तो तब मॉइस्चर रिमूव होने के कंपैरिजन में अगर हम उसको उसकी स्पीड डबल कर दें 140 मीटर्स पर मिनट, तो 140 मीटर्स पर मिनट पे ज्यादा एफिशिएंटली मॉइस्चर रिमूव होगा कंपेयर टू 70 मीटर्स पर मिनट. अच्छा, फिर इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ हमें ये भी जहन में रखना है कि अगर टेम्परेचर हाई हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो हो, एयर की वेलोसिटी बहुत हाई हो, यानी वो वाले सारे फैक्टर्स जो हम कह रहे हैं कि जिनकी वजह से मॉइस्चर रिमूवल का प्रोसेस एफिशिएंट होगा, जल्दी होगा, तेज होगा, हाई टेम्परेचर, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हाई वेलोसिटी ऑफ एयर, तो मॉइस्चर रिमूवल तो जल्दी होगा, नो डाउट.
अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखना है कि उसकी वजह से फूड्स को जिनको हम जिनमें से मॉइस्चर रिमूव करना चाह रहे हैं उनका सरफेस भी बड़ा जल्दी ड्राई होगा। और एक कंडीशन अगर हो सकती है जिसको हम कहते हैं केस हार्डनिंग। क्या कहते हैं उस कंडीशन को? केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग क्या कंडीशन होती है? वो एक ऐसी कंडीशन है जहां पे मॉइस्चर फ्रॉम इनसाइड द फूड इज नॉट एबल टू ट्रेवल आउटसाइड, and that results in dry outer surface, और अंदर से फूड वेट ही रहता है, बाहर से ड्राई हो जाता है। क्यों ड्राई होता है? क्योंकि हमने टेम्परेचर हाई रखा, हमने एयर वेलोसिटी ज्यादा रखी, हमने ह्यूमिडिटी लो रखी, वो तीनों फैक्टर्स जिनकी वजह से मॉइस्चर रिमूवल का प्रोसेस एफिशिएंट होता है। ठीक है, वो तो अपनी जगह पॉइंट ठीक है, लेकिन उसका एंड कॉन्सिक्वेंस होगा क्या, एंड रिजल्ट होगा क्या? केस हार्डनिंग हो जाएगी। अब बाहर बाहर से तो सरफेस ड्राई हो गया है, लेकिन अंदर मॉइस्चर अभी मौजूद है। सो दैट इज द रीजन कि हम जो एयर वेलोसिटी है उसको भी नॉर्मली 91 and 304 meters per minute के ऊपर सेट करते हैं। अगर इसके बियॉन्ड हम लेके जाएंगे तो फिर ये वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। Which means के यदि ये कोई blindly हमने temperature को high नहीं करना, let's say कोई कहे 600 degree Celsius temperature कर दो या 500 meters per minute air velocity कर दो, so that moisture removal जल्दी हो जाए। So moisture removal तो उससे शायद जल्दी किसी हद तक हो जाएगा, लेकिन ये जो case hardening वाला problem है ये उसके अंदर फिर आता है, उसको हमने prevent करना है। एक suitable range हमने decide की हुई है, उसी के ऊपर हम डिसाइड करने से मतलब जाहिर है जो डिफरेंट हम रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं उसके अंदर जो बेस्ट सूटेबल जो हमें एयर वेलोसिटी पे सबसे अच्छे जो एफिशिएंट रिजल्ट्स मिले वो इस रेंज पे मिले 91 and 304 meters per minute। अच्छा जी, सो टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स टू परफॉर्म दिस फंक्शन। सो सबसे पहले वी हैव हॉट एयर ड्रायर्स। हॉट एयर ड्रायर्स के अंदर भी दो तरह के फर्दर ड्रायर्स हैं, एक नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर्स होते हैं और एक फोर्स्ड ड्राफ्ट ड्रायर्स होते हैं। इनमें फिर क्या डिफरेंस है अभी पढ़ेंगे। फिर सेकंड नंबर पे ड्राइंग बाय कॉन्टेक्ट विद हीटिंग सरफेस, जिसके एग्जांपल में ड्रम ड्रायर या वैक्यूम शेल्फ ड्रायर होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे ड्राइंग बाय एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव सोर्स, जिसके अंदर रेडिएंट हीटिंग ड्रायर या इंफ्रारेड ड्रायर या माइक्रोवेव ड्रायर होते हैं या इलेक्ट्रिक ड्रायर होते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे वी माइट यूज सम स्पेशल ड्राइंग टेक्निक्स सच एज पफ ड्राइंग या फोम मैट ड्राइंग। सो चलें जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हॉट एयर ड्रायर्स। हॉट एयर ड्रायर्स में जैसे मैंने कहा फर्दर टू टाइप्स हैं, नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर्स एंड फोर्स्ड ड्राफ्ट ड्रायर्स। तो क्या होता है जी नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर्स में? उसके अंदर एक फर्नेस रूम होता है एंड एक ड्राइंग चैम्बर होता है। हॉट एयर हम उसके अंदर पास ऑन करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रेडिएटिंग पाइप्स। इसके अंदर फिर जो एग्जांपल्स आ जाती हैं हॉट एयर ड्रायर्स में नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर्स की, वो किल्न ड्रायर, टावर ड्रायर एंड ओरिगॉन टनल ड्रायर। किल्न ड्रायर ओल्डेस्ट टाइप है ड्रायर की, हॉट एयर ड्रायर की, नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर की। इसको हम नॉर्मली एप्पल्स के लिए या हॉप्स की ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। हॉप्स होते हैं, हॉप बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट है।
व्यूइंग इंडस्ट्री के अंदर हम इनको यूज करते हैं। सॉफ्ट फ्रूट्स के लिए इट इज अनसुटेबल, सो डबल स्टोरेड ये कैन ड्रायर होता है, एक अपर स्टोरी होती है, एक लोअर स्टोरी होती है। जी बेटा, ऊंची बोलो थोड़ा सा, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, या तो लिख दो अपना क्वेश्चन। अब आ रही आवाज? अब बेहतर हुई है, अब बेहतर हुई है। ट्री का नाम है जिससे हम ये डिराइव करते हैं, कोको पाउडर, कोको बटर, चॉकलेट के अंदर जो सारा आपका यूज होता है बेसिकली, सो ये वो है काकाओस, यू नो स्ट्री का नाम है जिसे हम कोको पाउडर और ये कोको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, सो जनाब सेकंड आ जाता है फिर हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में टावर ड्रायर। सो टावर ड्रायर के अंदर हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि देयर आर सेवरल यू नो ड्राइंग ट्रेस स्टैक्ड ओवर ईच अदर, जैसे नाम से पता चल रहा है टावर की फॉर्म में होता है। हीटिंग सिस्टम जो इसका है वो किन ड्रायर की तरह ही होता है, बस फर्क ये है कि किन ड्रायर में एक ही चैम्बर होता है, इसके अंदर मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं, मल्टीपल ड्राइंग ट्रेज होती है। फिर थर्ड एग्जांपल कैबिनेट ड्रायर आ जाती है। सो कैबिनेट ड्रायर टावर ड्रायर की तरह ही होता है, द ओनली डिफरेंस इज कि कैबिनेट ड्रायर के अंदर स्टीम कॉइल्स को अंडरनीथ से पास ऑन किया जाता है टू सप्लाई हॉट एयर, यानी नीचे की साइड से हम हीट कर रहे होते हैं। एंड लास्टली फिर ओरिगॉन टनल ड्रायर आ जाता है जिसके अंदर वी हैव अ सीरीज ऑफ पैरेलल ड्राइंग चैम्बर्स, और इसको हम नॉर्मली प्लम्स को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं। और जब प्लम्स ड्राई हो जाते हैं तो आपको पता है जो ड्राइड प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है आफ्टर ड्राइंग ऑफ प्लम्स, उसको हम क्या कहते हैं? प्रून कहते हैं, प्रून। आप ये नॉर्मल ड्राई फ्रूट वाले के पास भी जाओ ना, आप उससे अगर कहो सूखा आलू बुखारा दे दें तो दैट इज प्रून बेसिकली, ड्राइड प्लम। अच्छा जी, सो नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर्स के बाद फिर हमारे पास आते हैं फोर्स्ड ड्राफ्ट ड्रायर्स। फोर्स्ड ड्राफ्ट ड्रायर्स में बेसिकली हमारा जो एनर्जी कंट्रोल होता है, जो हम हॉट एयर के थ्रू एनर्जी दे रहे होते हैं फूड प्रोडक्ट को, वो एनर्जी कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, बहुत बेहतर होता है। तो जितने भी फोर्स्ड ड्राफ्ट ड्रायर्स हैं या डिहाइड्रेटर्स हैं, उनके अंदर वी हैव अ हीटिंग चैम्बर जिसको हम किसी भी कन्वेंशनल मेथड के थ्रू हीट कर सकते हैं। सो वो जो हॉट एयर है उसको हम नॉर्मली रीसर्कुलेट करते हैं ताकि हमारा वो फ्यूल जो है वो बार बार वेस्ट ना हो, वही हॉट एयर रीसर्कुलेट होती रहे उसमें बार बार। तो उसकी एग्जांपल्स में टनल ड्रायर है। तो टनल ड्रायर के अंदर वी हैव अ चैम्बर इन द फॉर्म ऑफ अ टनल जिसकी लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू विड्थ, सो जिस डायरेक्शन में हम एयर को पास करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा फूड या रॉ मटेरियल मूव कर रहा होता है। या फिर जिस डायरेक्शन में हम एयर
सप्लाई करते हैं उसके अगेंस्ट फूड या रॉ मटेरियल मूव कर रहा होता है। दोनों तरह की यानी ऑप्शन हमारे पास होती हैं। पहले एक साइड से हम समटाइम्स करते हैं, दोनों भी इकट्ठी टेक्निक से हम अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर हम दूसरी साइड से उसको ड्राई करते हैं। फिर एक और थर्ड अरेंजमेंट भी होती है जिसके अंदर दोनों साइड से हॉट एयर एंटर हो रही होती है और बेसिकली चैम्बर के मिडल से एग्जॉस्ट हो रही होती है, उसको हम कहते हैं सेंटर एग्जॉस्ट टनल ड्रायर। फिर एक और क्रॉस फ्लो ड्रायर होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर एयर का जो फ्लो है वो अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द फूड होता है। फोर्स ड्राफ्ट ड्रायर्स के अंदर भी स्टीम कॉइल्स के थ्रू ही हम हॉट एयर सप्लाई कर रहे होते हैं। ज्यादातर हम फोर्स ड्राफ्ट ड्रायर्स के अंदर वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं। अच्छा, फिर दो और इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। वन इज फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर हम जो फूड्स को ड्राई करते हैं उसमें डाइस्ड फूड्स ज्यादा होते हैं, अनियंस, ग्रेन्स, कोको भी इसके अलावा हम डाइस्ड फूड्स के अलावा हम ड्राई कर सकते हैं, शुगर और सॉल्ट को भी ड्राई कर सकते हैं। तो इसके अंदर होता यह है कि हम हॉट एयर को पास करते हैं फ्रॉम अ बेड। बेड वो सोने वाला बेड नहीं होता, बेड मींस यू नो एक डीप जो चैम्बर होता है और उसके अंदर पोरस प्लेट्स होती हैं। तो वो उस हॉट एयर की वजह से फूड पार्टिकल्स जो हैं दे आर सस्पेंडेड इन एयर। और वो एक ऐसा कांस्टेंट एयर फ्लो हमने मेंटेन किया होता है कि नॉट ओनली उसकी वजह से मॉइस्चर रिमूव होता है बल्कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंटरिंग इनटू द चैम्बर टिल द पॉइंट ऑफ लीविंग द चैम्बर वो सस्पेंडेड फॉर्म में फूड वहां से एंटर होते साथ ही ड्राई होने के बाद वहां से एग्जिट कर जाता। फिर लास्टली स्प्रे ड्रायर्स हैं हमारे पास जिनको हम लिक्विड फूड्स के लिए प्राइमरीली यूज करते हैं। हाउएवर इसके अंदर हम इंस्टेंट कॉफी या एग्स को भी ड्राई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम करते ये हैं कि लिक्विड फूड को स्प्रे करते हैं ड्राइंग चैम्बर के ऊपर यूजिंग अ नोजल, फिर उसमें से हॉट एयर को पास करते हैं और जो फूड मटेरियल है वो इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है। इसमें जाहिर है कि फूड के लॉस का चांसेस होते हैं, पाउडर जाहिर है मटेरियल होता है। उसके अंदर फिर हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम साइक्लोन सिस्टम कहते हैं। साइक्लोन सिस्टम बेसिकली जो लॉस्ट फूड पार्टिकल्स हैं उनको रिकवर करने में हेल्प करता है। सो अगेन फिर वही बात है कि लॉस्ट फूड पार्टिकल्स हम कोई घर का के लेवल पे तो बात नहीं कर रहे ना। सो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आप इस तरह से फूड को फूड पार्टिकल्स को वेस्ट करना शुरू करो या लूज करना शुरू करो तो फिर आपका मे बी डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल इन्वॉल्व थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस का भी लॉस हो सकता है। तो उस चीज को हम जाहिर जितना भी पॉसिबल हो उतना हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। Excuse me, sir. जी बेटा। सर फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर्स की जो फंक्शन है उसको दोबारा से रिपीट कर दें। मैं कर दूँ। अच्छा, फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर मैंने बताया कि बेसिकली हम एक हमारे पास एक बेड होता है जिसके जो पोरस प्लेट्स जिसमें लगी हुई होती है, सो उन पोरस प्लेट्स के थ्रू हॉट एयर को हम पास करते हैं। और मजे की बात यह है कि वो जो हॉट एयर हम पास कर रहे होते हैं
उसको हम एक ऐसा कांस्टेंट स्पीड के साथ पास कर रहे होते हैं, कि वो जो फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द टाइम दे एंटर इनटू द ड्रायर टिल द टाइम दे लीव द ड्रायर दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है, यानी वो सरफेस पे नहीं आते, हमने एक कॉन्स्टेंट एयर फ्लो मेंटेन की हुई है, उस एयर फ्लो की वजह से एक तो वो ड्राई तो हो ही रहे हैं ऑब्वियसली, नीचे नहीं गिर रहे, सरफेस पे नहीं आ रहे, वो कंटिन्यूअस एयर फ्लो है, एक हम उन्हें देते हैं और एक कॉन्स्टेंट लेवल पे देते हैं। जाहिर है अगर लेवल कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो या तो बहुत ऊपर चले जाएंगे या बिल्कुल सर्फेस पे आके गिर जाएंगे, तो एक कॉन्स्टेंट लेवल पे हमने उनको मेंटेन किया हुआ, सो दे रिमेन सस्पेंडेड। अच्छा जवेरियस आस्किंग आयरन प्रूंस सनड्राई भी करते हैं बेटे, प्रूंस को सनड्राई भी करते हैं। अच्छा देखो एक चीज ध्यान में रखो, जो सन ड्राइंग हम करते हैं ना जितने भी प्रोडक्ट्स की, उसकी एफिशिएंसी कम है। सन ड्राइंग जो हम जितने करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम सन ड्राई हैं आज की दुनिया में भी, जहाँ पे एवरीथिंग हैज बिकम सो मैकेनाइज्ड, सो वहां पे भी हम सन ड्राइंग कर रहे होते हैं, लेकिन सन ड्राइंग के अंदर क्योंकि बेटे चीजों को हम मैनिपुलेट नहीं कर पाते, हम कंडीशंस को खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसलिए सन ड्राइंग के अंदर एफिशिएंसी कम है, ये बात है। अच्छा जी मेरा ख्याल है लेट्स टेक ब्रेक और फिर हम बाकी जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मे बी 9:50 हो रहे हैं, सो 15 मिनट्स की ब्रेक करते हैं और फिर वापस आते हैं। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राइट, सो सेकंड जो अब हमने इनफैक्ट सेकंड जो टेक्निक है दैट इज ड्राइंग बाय कांटेक्ट विद हीटेड सरफेस, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे कि मिल्क हो गया, बेबी फूड्स हो गए या सूप मिक्सेस हो गए, उनको हम डायरेक्टली हीटेड सरफेस के ऊपर एक्सपोज करने से भी उनका मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है ड्रम ड्रायर की। सो ड्रम ड्रायर में बेसिकली वी हैव वन और मल्टीपल मेटालिक सिलेंडर्स जिनको हम ड्रम कहते हैं, और वो अपनी इंटरनल हीट के वजह से सॉरी इंटरनल स्टीम की वजह से हीट अप होते हैं और उनके ऊपर सिलेंडर लगा हुआ होता है विच रिवॉल्व्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे जैसे ड्रम रिवॉल्व करता है सो वो लिक्विड जो हमारा फूड है उसको पिक करता जाता है और जब वो 180 टू 270 डिग्रीज तक रिवॉल्व करता है, वो जो फूड की फिल्म है, लिक्विड फूड की जो थिन लेयर है फिल्म है, दैट इज ड्राइड, और वो ड्राई होके कन्वेयर उसको रिसीव कर लेता है। फिर नेक्स्ट जो फिल्म है फूड की वो ड्रम के ऊपर आती है और उसी तरह से वो राउंड ड्राइंग का होता है। सो ड्रम ड्रायर्स को सिंगल ड्रम ड्रायर्स भी कहते हैं अगर एक उनके अंदर ड्रम हो, डबल अगर दो हो, या फिर ट्विन ड्रम सिस्टम्स भी होते हैं जो यानी एक ही पैरेलल लगे होते हैं सेम टू ड्रम्स के साथ। फिर एक और इसकी एग्जांपल ड्रम ड्रायर के साथ वैक्यूम शेल्फ ड्रायर की आ जाती है, जिसके अंदर फूड को हम एक दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं और वहां पे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। फूड्स को हीट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ दैट वैक्यूम, और वैक्यूम को हम जाहिर लो टेम्परेचर पे जनरेट करते हैं, बट वैक्यूम जनरेट करना डेफिनेटली दैट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस और ये नॉर्मली पाकिस्तान में तो ऐसा हम यूज नहीं कर रहे इंडस्ट्री।
इसको हम यूज करते हैं सिर्फ ऐसे फूड्स के लिए जो हीट से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, या जिनका न्यूट्रिएंट लॉस, जिन फूड्स के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हीट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, जिनको अगर हम कन्वेंशनल मेथड से ड्राई करें तो उनका न्यूट्रिएंट लॉस बहुत ज्यादा होता है। फिर थर्ड, ड्राइंग यूजिंग इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव सोर्स। So both electric and microwave sources can heat the food. इनके अंदर we can use infrared radiations, which are absorbed by the food, and they result in generation of heat. इनकी जो wavelength होती है वो 0.8 से लेके 400 nanometers तक होती है, और इनको नॉर्मली सरफेस हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं। फिर इसी तरह से डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वेव्स को हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव में 2450 मेगाहर्ट्ज की वेव्स, जब फूड मटेरियल इन वेव्स को एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी जनरेट होती है और फूड इज हीटेड एंड मॉइस्चर इज रिमूव्ड। फिर इलेक्ट्रिक मीन्स से भी हम हीट एनर्जी जनरेट करके फूड से मॉइस्चर रिमूव करते हैं, जहां पे हम फूड को पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखते हैं। और उससे मॉइस्चर रिमूव कर रहे हैं। तो इन मेथड्स को हम नॉर्मली बेक्ड फूड्स के लिए, बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गई, कपकेक्स हो गए, या फिर ड्राइड चिप्स, इनके लिए हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। फिर लास्ट जो हमारी टेक्निक है इसके अंदर वो है स्पेशल ड्राइंग टेक्निक्स, जैसे कि पफ ड्राइंग या फोम मैट ड्राइंग। ये टेक्निक्स हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कन्वेंशनल मेथड्स को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल। पफ ड्राइंग हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमने फूड पार्टिकल्स की पोरोसिटी को, पोर्स को इंक्रीज करना हो, जैसे कि पोटैटो पफ्स। तो बेसिकली जहां पे फूड्स की पफिंग रिक्वायर्ड हो, पफिंग मीन्स कि हमने उनकी पोरोसिटी इंक्रीज करनी है, पोरस फूड को हो, उनका टेक्सचर ऐसा हो कि पोर्स ज्यादा। फिर फॉर्मेट ड्राइंग के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा हो और थोड़ा सा स्पंजी सा टेक्सचर हो उसका। जैसे कि एग वाइट को हम इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस को कर सकते हैं, स्पेशली सिट्रस जूसेस या टोमेटो पेस्ट। सो दीज प्रोसेसेस आल्सो रिक्वायर कस्टमाइज्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। देन फूड कैन आल्सो बी ड्राइड यूजिंग इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंसंट्रेशन सॉरी तो जब हम फूड में से मॉइस्चर को इवेपोरेट करते हैं तो जाहिर है जो रिमेनिंग सॉलिड्स हैं दे आर कंसंट्रेटेड, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से फूड की जो वाटर एक्टिविटी है दैट कैन बी रिड्यूस्ड, दैट कैन बी लोअर्ड। सो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल, बड़ी कॉमन एग्जांपल टमेटो पेस्ट की है, जहां पे हम इवेपोरेशन को यूज करके उसको प्रिजर्व कर रहे होते हैं। टोमेटो जूस की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो 6% सॉलिड्स कंटेन करता है, और जब हम उसको इवेपोरेट करते हैं तो वो 6% से बढ़ के 32% पे सॉलिड्स पे चला जाता है क्योंकि मॉइस्चर रिमूव हो रहा है। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इवेपोरेशन की वजह से
ये जो भी हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, फूड मटेरियल्स का वेट रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो इवेपोरेटेड फूड्स होते हैं उनकी वाटर एक्टिविटी स्टिल हाई होती है टू हार्बर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इस वजह से सिर्फ फूड्स को इवेपोरेट करना इनफ नहीं होता बल्कि फर्दर प्रोसेसिंग भी उनकी रिक्वायर्ड होती है। ज्यादातर फूड्स को हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं। After evaporation, so that वो moisture इस level तक कम हो जाए कि वो microbial growth को harbor ना कर सके। अच्छा, जो हम common salt घरों में use करते हैं उसको भी हम concentrate करते हैं sea water से, फिर sugar industry में जो हमारा sugar cane या sugar beet होती है उसको हम कंसंट्रेट करते हैं, फिर इसी तरह जैम्स और जेलीज या जो मार्मलेड्स तो खैर नहीं, जैम्स एंड जेलीज, उनके अंदर भी हम इवेपोरेशन कंसंट्रेशन को अप्लाई करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि जैम्स जेलीज के केस में हमें इवेपोरेशन के बाद फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जैम्स एंड जेलीज आर ऑब्वियसली क्वाइट हाई इन शुगर, और ये वाले जो फूड्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हार्बर करने के लिए सूटेबल नहीं होते। सो क्योंकि इनमें शुगर्स की कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर देर आर सर्टन फूड्स जैसे कि फ्रूट जूसेस, जिनको अगर हम इवेपोरेशन और कंसंट्रेशन करें तो उसके बाद उनका जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंटैक्ट रहने चाहिए। और उनके लिए हम स्पेशल इवेपोरेटर्स यूज करते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि ओपन पैन टाइप हो गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इवेपोरेटर्स हो गए, नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स हो गए, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स हो गए, प्लेट इवेपोरेटर्स हैं, एक्सपेंडिंग फ्लो इवेपोरेटर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर्स हैं। सो दीज आर डिफरेंट types of those evaporators, और हर एक के अपने benefits और drawbacks होते हैं depending on which raw material we are trying to evaporate, उसके हिसाब से फिर हम टाइप ऑफ evaporator choose कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा foods को हम इवेपोरेशन किए बगैर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है फूड की नेचर कैसी है। मिसाल के तौर पे बटर की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, बटर में देयर इज अबाउट 80% फैट, और बटर किस चीज से बनता है, ऑब्वियसली मिल्क से बनता है। तो मिल्क फैट के अंदर 3.2 से लेके 6.5% तक फैट होता है, उसको हम कंसंट्रेट करते हैं टू अबाउट 80% ऑफ फैट। तो पहले जो मिल्क के अंदर फैट होता है उसको हम उसे क्रीम बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर उस क्रीम को फर्दर कंसंट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग। चर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फैट
ग्लोब्यूल्स को हम रिमूव करते हैं और लिक्विड को हम ड्रेन आउट करते हैं। और रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होता है दैट इज द बटर, जिसके अंदर वी हैव अबाउट 80% ऑफ फैट। फिर इसके अलावा हमारे पास फ्रीज ड्राइंग का मेथड होता है, फ्रीज ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉइस्चर तो रिमूव होता ही है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि प्रोडक्ट क्वालिटी को हार्म कम से कम होता है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि नॉट ऑल फूड्स कैन बी फ्रीज ड्राइड। इनफैक्ट जिन फूड्स को हमने फ्रीज ड्राइंग करनी हो वो लाइट होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर पोरस होना चाहिए, और जब हम उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करें तो उनकी शेप और साइज आसानी से वापस रीगेन हो जाए। तो फ्रीज ड्राइंग के अंदर पहले हम फूड मटेरियल को, रॉ मटेरियल को फ्रीज करते हैं, उसके बाद हम सब्लिमेशन करते हैं। सब्लिमेशन का मतलब है टू रिमूव मॉइस्चर विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर स्टेट। यानी पहले तो ये होता है ना कि फूड सॉलिड से लिक्विड में जाते, लिक्विड से वेपर में जाते, सब्लिमेशन में फूड डायरेक्टली सॉलिड से वेपर स्टेट में जा रहा होता। और सब्लिमेशन कैसे पॉसिबल होती है? लो वैक्यूम उसके लिए हमें चाहिए होता है, 0.1 से लेके 2 mm ऑफ एच जी तक। लो वैक्यूम क्रिएट किए बगैर हम सब्लिमेशन नहीं कर सकते, अदरवाइज वही कन्वेंशनल होगा, फूड सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से फिर गैस फॉर्म में जाएगा। फिर ये करने के बाद फूड को हम नॉर्मली एक कन्वेंशनल ड्रायर में भी डालते हैं, क्योंकि कुछ मॉइस्चर उसके बाद भी इंटैक्ट रहता है, तो ताकि वो मॉइस्चर जो रिमेनिंग है उसको हम ड्राई कर पाए, इसलिए हम उसको कन्वेंशनल ड्रायर में फूड को प्लेस करते हैं। डिसएडवांटेज फ्रीज ड्राइंग का ये एक है कि मैकेनिकल डैमेज फूड को हो सकता है, जैसे हम वो डिस्कस कर रहे थे ना, जब हम मीट को फ्रीज करते हैं तो लार्ज आइस क्रिस्टल बन जाते हैं जिसकी वजह से फिर फिजिकल डैमेज फूड को हो सकता है। सो उसी तरह से मैकेनिकल डैमेज फूड को हो सकता है अगर हम उसको फ्रीज ड्राई करते हैं। सेकेंडली फ्रीज ड्राइंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस कंपेयर टू कन्वेंशनल ड्रायर्स। जिन फूड्स को हम फ्रीज ड्राई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, वो फ्रूट जूसेस हैं, डाइस चिकन है और कॉफी। फिर हमारे पास आ जाती है एक और टेक्निक, डिहाइड्रोफ्रीजिंग। दिस अ वेरी लेस commonly used technique for food preservation. So इसके अंदर हम moisture को remove करते हैं using any dehydration technique और dehydrate करने के बाद फिर हम उसको freeze करते हैं so that remaining moisture can be frozen and water activity can be further reduced. तो जब हम डिहाइड्रेट करते हैं तो 50% मॉइस्चर तकरीबन उससे रिमूव हो जाता है फूड से, और जो रिमेनिंग मॉइस्चर है वो फिर फ्रीज हम उसको कर पाते। सो इसके अंदर भी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंटैक्ट रहती है। और जो उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिटेन होते हैं। लास्टली द
there is another technique which is known as intermediate moisture foods technology. So intermediate moisture foods technology ke andar what we do is ke instead of trying to remove moisture from the food, what we do is that we try to make the moisture available in the food unavailable for activity by microorganisms. लेकिन ये सिर्फ उन्हीं फूड्स के लिए पॉसिबल है जैसे टर्म से पता चल रहा है जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट इंटरमीडिएट लेवल का होता है, यानी कि ना तो बहुत कम ना बहुत ज्यादा, 20-50% मॉइस्चर लेवल होता है. इन फूड्स की वाटर एक्टिविटी 0.7 से लेके 0.85 तक होती है, जिसकी वजह से स्पॉइलेज बैक्टीरिया या ईस्ट इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते. लेकिन स्टिल मोल्ड्स या सर्टेन टाइप्स के ईस्ट के अटैक के लिए स्टिल फेवरेबल वाटर एक्टिविटी है. अच्छा, अब इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स जिनका 20-50% मॉइस्चर होता है वो हैं कौन कौन से? उनके अंदर जैम्स हैं, जेलीज हैं, हनी है, फिर कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स जो टॉफी कैंडीज टाइप चीजें. अच्छा, इंटरमीडिएट फूड्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो फ्रेश कमोडिटीज से कम होता है लेकिन डिहाइड्रेटेड फूड से ज्यादा होता है. इंटरमीडिएट है ना, बीच में है ना, बहुत कम है ना बहुत हाई है. और जो अवेलेबल मॉइस्चर फूड्स में रहता भी है वो क्योंकि बाउंड फॉर्म में होता है तो वो इतना नहीं होता कि वो एंजाइम एक्टिविटी को या माइक्रोबियल एक्टिविटी को ऐसे सपोर्ट कर सके. सो फूड सेमी मॉइस्ट रहते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ भी ठीक ठाक अरसे तक होती है. सो इसके अंदर हम सॉल्ट या डिफरेंट एसिड्स को यूज कर सकते हैं to further extend their shelf life, because jab in foods ke andar hum solutes ki concentration increase karte hain to osmotic pressure increase ho jata hai aur water activity us tarah se nahi ho pati. तो ये जब हम इन सॉल्यूट्स को इन सॉल्ट्स या एसिड्स को फर्दर ऐड करते हैं, इवन शुगर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ये रिमेनिंग मॉइस्चर को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और वो फिर मॉइस्चर अवेलेबल ही नहीं रहता फॉर एक्टिविटी. अच्छा, नॉट ओनली वाटर एक्टिविटी बल्कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट नहीं करता, विच इज गुड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. और इस टेक्निक को स्पेशली हम उन कंट्रीज में उन एरियाज में ज्यादा यूज कर सकते हैं जहां पे वी कांट रियली अफोर्ड फ्रीजिंग और फ्रीज ड्राइंग या लो टेम्परेचर फैसिलिटीज जहां पे कम हो. ठीक है जी, सो दैट इज इट फॉर टुडे.